हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच खेला जाएगा। इस मैच के हम बनाएंगे हमारी स्मॉल लीग की टीम और बनाएंगे हम फाइव ग्रैंड लीग की टीम। और इससे पहले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कमेंट में, व्हाट्सएप पर, कि आप टेलीग्राम में चैनल बनाओ, तो मैंने टेलीग्राम में चैनल बना लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की मेरी लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होना एकदम फ्री है, आपको कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे पैसे लेते हैं, एक महीने 500 रुपये, एक महीने 1000 रुपये, लेकिन नहीं, इस टेलीग्राम में आप एकदम फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। और आपको लास्ट एक मिनट तक टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है मैच से 10 या 15 मिनट पहले न्यूज़ आती रहती है प्लेयर्स के बारे में। और मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको बताता हूँ उसका नोटिफिकेशन, किसी वजह से आप तक नहीं पहुँचता और आपका प्लेयर मिस भी हो सकता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो है लास्ट सेकेंड तक न्यूज़ मिल सके। और आपका कोई भी प्लेयर, मुझे उम्मीद है, अगर न्यूज़ आएगी तो मैं मिस नहीं होने दूंगा। और टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, इसमें आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई, वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे डग आउट ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक और मेरे रेफर कोड मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफर कोड के साथ इस ऐप में साइनअप करोगे, तब आपको उसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। इस कैश बोनस के साथ आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना पूरा इसमें कैश बोनस यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कैश बोनस आपको तभी मिलेगा जब अपना फ़ोन नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आपको वेरीफाई करवानी होगी, तभी आपको इसमें 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। ऑफर्स की बात करें तो ऐसे ऐप का इसमें यही ऑफर चल रहा है कि अगर आप इस ऐप पे 500 रुपये डिपोजिट करते हो, तब आपको इसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिल जाएगा। इस कैश बोनस के साथ भी आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो। और आप डगआउट के ऐप में किसी भी मैच का लाइव स्कोर भी देख सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये मैच खेला जाएगा, तो इस मैच की हम बनाएंगे डगआउट की टीम। तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम में लिया हार्दिक पांड्या को, हसन अली, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, सदाब खान, फ़खर जमान, शोएब मलिक, फ़हीम अशरफ और उस्मान खान। तो इन 11 प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में लिया। अगर आप प्लेयर्स को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो आपको डग आउट के ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे शिखर धवन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। सिल्वर प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको इसमें 1.25 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। गोल्ड प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको उसमें 1.5 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और प्लेटिनम प्लेयर का मतलब ये होगा कि आपको उसमें 2 गुना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो मानो आप इस तरीके से इस ऐप में कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक कर सकते हो। और अगर आपको रिसेंट परफॉर्मेंस देखना हो तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, जितने भी रिसेंट परफॉर्मेंस है लास्ट के 10 दिन का, वो आपके सामने जो है आ जाएंगे। हम आगे बात करने वाले कि मैंने अपने इस टीम में शिखर धवन को रखा है प्लेटिनम प्लेयर, फ़खर जमान को मैंने रखा है गोल्ड प्लेयर, और शोएब मलिक को मैंने रखा अपनी टीम में सिल्वर प्लेयर। तो टीम को करते हैं सेव और बात करते हैं हम लीग्स के बारे में। तो इसमें स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग, ये दोनों इसमें अवेलेबल। आप इन दोनों में से कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा अमाउंट आप विन कर सकते हो। तो जल्दी से जाके आप डग आउट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप में खेलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस ऐप में आप अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो, क्योंकि इस ऐप में अभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन एक बार को आपको इसमें 100-200 रुपये ऐड करने होंगे। अगर आप इसमें कम अमाउंट डिपोजिट करोगे तो मुझे उम्मीद है आप इसमें विन करके अच्छा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। और जो भी आपका विड्रॉल अमाउंट हो वो आप इसमें पेटीएम में भी ले सकते हो। और आपका प्लेयर भी मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप टॉस होने के बाद में अपनी टीम को एडिट भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे ऐप है और 100% ये लीगल ऐप है। डग आउट का ऐप अच्छा लगा हो तो भाई, इस वीडियो को आप अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम सबसे पहले बात करने वाले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा, इसकी हम बनाएंगे सबसे पहले स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी को लिया है। आप चाहो तो अपनी टीम में सरफराज अहमद को भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन मैं अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी को लेने वाला हूँ। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने शिखर धवन, बाबर आजम, अंबाती रायडू और फ़खर जमान, इन 4 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, सदाब खान और फ़हीम अशरफ। बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और हसन अली। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा शिखर धवन को और वाइस कैप्टन मैंने रखा यहाँ पे बाबर आजम को। तो ये मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की टीम रहने वाली है। अगर आपको ये दोनों लीग जो है वन साइडली विन करनी है तो आपके पास एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ आप वन साइडली कैसे विन कर सकते हो। लास्ट मैच में जो है केएल राहुल नहीं खेला था, और लास्ट मैच इंडिया का हुआ था हांगकॉन्ग के सामने, वो बहुत ही कमज़ोर टीम थी, इसलिए केएल राहुल को जो है रेस्ट दिया गया था। इस मैच में केएल राहुल 99% खेलेंगे। तो अगर आप अपने
स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग में केएल राहुल को अपनी टीम में पिक करते हैं और फर्स्ट डाउन बैटिंग नहीं आते केएल राहुल अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वन साइडली ये दोनों लीग जो है विन करा सकते हैं, क्योंकि छोटी लीग में केएल राहुल को अपनी टीम में कोई भी पिक नहीं करेगा और केएल राहुल 99% इस मैच में खेलेगा, क्योंकि रोहित शर्मा ने ये भी क्लियर कर दिया कि केएल राहुल जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे केएल राहुल के चांस जो है बहुत ज़्यादा है खेलने के। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप केएल राहुल के साथ रिस्क ले सकते हो, आपको वन साइडली स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग विन करा सकता है। बात करेंगे आगे फर्स्ट ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने यहाँ पे चेंज करके सरफराज अहमद को लिया है, बैट्समैन सेक्शन में रोहित शर्मा, शिखर धवन, फखर जमान, इमाम उल्लक और अंबाती राइडू, ऑलराउंडर सेक्शन में सदाब खान और फहीम अशरफ दोनों ही साथ में अच्छे खासी बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन में मैंने हसन अली ये भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। तो इस टीम में मैंने कैप्टन का यहाँ पे फखर जमान को, वाइस कैप्टन मैंने बनाया पे अंबाती राइडू को जिन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। तो ये मेरी रहेगी फर्स्ट ग्रैंड लीग की टीम। बात करेंगे हम आगे सेकंड ग्रैंड लीग के टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है और सरफराज अहमद को ही अपने टीम में लिया है, शिखर धवन, बाबर आजम और केएल राहुल यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया लेकिन केएल राहुल 99% इस मैच में खेलेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या भी इस मैच में खेलेंगे, सोहेब मलिक और सदाब खान, बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह भी इस मैच में खेलने वाले हैं, हसन अली और उस्मान खान। तो इस टीम में मेरे कैप्टन का यहाँ पे सोहेब मलिक को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे सदाब खान को। तो ये मेरी रहेगी सेकंड ग्रैंड लीग की टीम, क्योंकि सोहेब मलिक आपको पता साथ में अच्छी खासी बॉलिंग भी करा सकते हैं। बात करते हैं हम थर्ड ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में डायरेक्ट चेंज एम एस धोनी को लिया है, बैट्समैन सेक्शन में केएल राहुल, रोहित शर्मा, बाबर आजम और इमाम उल हक, ऑलराउंडर सेक्शन में सोहेब मलिक, सदाब खान और फहीम अशरफ, बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल। तो इस टीम में कैप्टन का केएल राहुल को और वाइस कैप्टन ने बनाया यहाँ पे एम एस धोनी को। मुझे लगता है बहुत ही कम लोग अपनी टीम में एम एस धोनी को कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर आपको पता है किसी भी मैच में अच्छा स्कोर भी कर सकता है। तो ये मेरी रहेगी थर्ड ग्रैंड लीग की टीम। बात करते हैं हम फोर्थ ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पे चेंज करके सरफराज अहमद को लिया है, बैट्समैन सेक्शन में रोहित शर्मा, अंबाती राइडू, इमाम उल हक और आसिफ अली। आसिफ अली बहुत ही जबरदस्त हार्ड हिटर बैट्समैन है, सिक्स डाउन बैटिंग रहते हैं और ये इनिंग के लास्ट में बैटिंग करने थे, अगर इनको कम से कम 20 से 30 गेंदे भी खेलने को मिलती है तो ये अच्छा स्कोर करके आपको अच्छा पॉइंट दिला सकता है, बहुत ही जबरदस्त ये प्लेयर है। ऑलराउंडर सेक्शन में सदाब खान, फहीम अशरफ और हार्दिक पांड्या को लिया है, बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, हसन अली और मोहम्मद आमिर को मैंने अपनी टीम में लिया। तो इस टीम में कैप्टन रखा है रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है हार्दिक पांड्या को। तो ये मेरी रहने वाली फोर्थ ग्रैंड लीग की टीम। बात करते हैं लास्ट ग्रैंड लीग की टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन में एम एस धोनी को अपनी टीम में लिया है, बैट्समैन सेक्शन में फखर जमान, शिखर धवन, बाबर आजम और केएल राहुल, ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, शोएब मलिक और सदाब खान, बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और उस्मान खान। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा यहाँ पे कुलदीप यादव को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया यहाँ पे एम एस धोनी को। मुझे लगता है इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो टीमों में महेंद्र सिंह धोनी को वाइस कैप्टन रखा है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट टीम दी उसी टीम के साथ मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलूंगा, और जो मैंने आपको ये फाइव टीम दी इन्हीं टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग की लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इन टीमों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी आपके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप इन्हीं टीम के साथ खेलो या आपको इन्हीं टीम के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं। आप क्या कर सकते हो, इन टीमों में अगर आपको लगता है एक दो चेंजेस होना चाहिए तो आप अपने तरफ से एक दो इन टीमों में चेंजेस कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको लगता है चेंजेस होने चाहिए तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से चेंज करके खुद से भी बेटर टीम्स बना के आप अच्छा विन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, और भाई अब तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की जो है लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम तक अगर एक सेकंड पहले भी कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको एक सेकंड पहले भी जो है मैच की न्यूज़ दे दूंगा, लेकिन आपको टेलीग्राम पे ऑनलाइन रहना होगा। फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो और आप फ्री में फ़ायदा उठा सकते हो इसमें न्यूज़ के बारे में। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब एकदम फ्री में कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।